एक बार फिर हम लोग अपने कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। और मैंने अपने पिछली वीडियो में जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था वो हमारे पास था एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन हमने किया था और उसके एक क्वेश्चंस भी हमने किए थे, बहुत अच्छे तरीके से उसे हमने एक्सप्लेनेशन दिया था। तो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.2 के आगे के क्वेश्चंस, 3.2 के आगे के क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, और अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक बात अगर याद दिलाऊं तो इस टाइप के हमने इंट्रोडक्शन कर रखे हैं, हम इजिली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, हम कह रहा है कि कंपेयर करो इससे इससे इस टाइप से, ठीक है। कह रहा है इस लेवल पे आप कंपेयर करो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंपेयर करो और इस लेवल पे लाके हमें बताओ कि ये पैरेलल लाइंस होते हैं, इसके जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो पैरेलल होते हैं या कोइंसिडेंट होते हैं या इंटरसेक्ट, मतलब एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे दोनों लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो इन तीनों में से कौन सी बातें हैं इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए, उस पर हम बात करेंगे। तो बहुत इजी तरीके इजीली हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंपेयरिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता, जिससे हम इससे कंपेयर कर सके। ये होता है हमारे पास a1x + b1y + c = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारे पास होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारे पास ये देखा, अगर मुझे a1 a2 b1 b2 c1 c2 चाहिए तो मैं इससे क्या करूंगा, कंपेयर करके अपनी वैल्यू को निकाल लूंगा। तो वी ऑब्जर्व, हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं कि x के साथ जो कोफिशियंट है पहले वाले में x के साथ जो कोफिशियंट है वो क्या है, a1 है। y के साथ जो कोफिशियंट है वो क्या है, b1 है। और जिसके साथ ना x है ना y है, कोई वेरिएबल नहीं, तो वो क्या है, कॉन्स्टेंट c1। तो मैं यहां से अगर लिखता हूं तो a1 हमारे पास 5, b1 हमारे पास कितना आ जाएगा, अब क्योंकि हम लोग प्लस में इसको कंपेयर कर रहे हैं, ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये -4 जो अपने साइन के साथ यहाँ पे आएगा। तो b1 क्या है, -4 और c1 हमारे पास 8। और सिमिलरली अगर हम दूसरे इक्वेशन को कंपेयर करें दूसरे इक्वेशन से, तो हमारे पास क्या होगा, x का कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, a2। तो a2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 7। b2 हमारे पास क्या हो जाएगा, y का कोफिशियंट यहाँ b2 और यहाँ y का कोफिशियंट 6, ठीक है। c2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, c2 हमारे पास -9 हो जाएगा। तो इजिली हम लोगों ने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड कर ली है, ऑब्जर्व करके हमने चीजों को फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अब इसी के बिहाफ पे हमें बताना है कि इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तीन केस हमारे पास होते हैं, तीनों केस में से कोई एक होगा, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में देखा है कि इसके बिहेवियर के कारण रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, इस कॉन्सेप्ट पे हमने चीजों को देखा है। तो मैं क्या करूंगा, इसका रेशियो निकालूंगा। क्या बोला यहाँ पे, रेशियो निकाल के बताओ, ठीक है। तो a1 upon a2 क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये 5 upon 7, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ b1 upon b2, अच्छा b1 upon b2 क्या जाएगा, -4 upon 6, दैट मीन्स कि -2 upon 3। तो इतनी सी बात देखने के बाद ही हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, नहीं है ना इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। और इसी पे तो हमारा एक कॉन्सेप्ट बन के तैयार हो जाता है कि चीजें क्या होंगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि a1 upon a2 = क्या, 5 upon 7 does not equal to -2 upon 7 = b1 upon b2, ठीक है।
ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। और अगर ये बात नहीं है हमारे पास तो हम लोग ये कहेंगे a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2। अब इस बात से आप लोग थोड़ा सा ध्यान कीजिए, पिछली वीडियो में हमने कहा था कि अगर ये कंडीशन हमारे पास एप्लीकेबल होता है, ये कंडीशन अगर फॉलो करता है तो हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, हैंस लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इंटरसेक्टिंग लाइन, कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और इंटरसेक्टिंग लाइन के सॉल्यूशन कितने होते हैं, दैट मीन्स की यूनिक सॉल्यूशन, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक पॉइंट, एक सॉल्यूशन है ना। तो ये वाली बात हमें बताना था, इसमें से कौन सा, ये तीसरा वाला पॉइंट इस चीज को फॉलो करता है, क्यों करता है, हमने इसके अकॉर्डिंग हमने बात कर ली है। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। वैसे ही हमारे पास, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ चीजें जो इसमें इस्तेमाल होना है, तो इजिली आप लोग इसे सॉल्व कर पा रहे हैं। ये वाली कंडीशन आई, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू अगर आई तो ये हमारे पास क्या होता है, इंटरसेक्टिंग, ये क्या होगा हमारे पास, इंटरसेक्टिंग होगा। दूसरी बात, अगर हमारे पास a1 वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू अगर आ जाता है, a1 वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू अगर आ जाता है, तो यहां से हम लोग कह देंगे क्या, पैरेलल है। ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पैरेलल, अगर a1 वन अपॉन ए टू इक्वल टू b1 वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू इक्वल टू अगर आ जाता है, तो इसके हम क्या कह देंगे, ये क्या होगा, कोइंसिडेंट। बस इतनी सी कहानी के अकॉर्डिंग आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप लोग इसे खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को ये समझ में आने लग रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया, एक्सरसाइज 3.2 का बोला, इसमें भी कोई बड़ी बात इसने नहीं बताई है, इसने वही बात बताई जो हम पहले भी इस चीजों को इंट्रोडक्शन में ही देख चुके हैं क्या है। तो मैं आप लोगों को एक बात बहुत बहुत अच्छी तरीके से रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर ही आप लोगों के सारे एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसके कहीं ना कहीं आप लोगों को उसमें कॉन्सेप्ट दिखेंगे। तो इसलिए इंट्रोडक्शन को बेस्ट तरीके से एक नहीं दो नहीं तीन बार देखिए, उसे अगर आप लोग अच्छे से समझ पाते हैं तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस के कोई मायने नहीं रह जाते, बहुत इजीली आप लोग इसे सॉल्व कर पा रहे होते हैं। देखो इसमें क्या बोला, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कंपेयर कीजिए, वही ए वन बी वन आप लोगों के पास बुक होंगी, आप लोग बुक में क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कंपेयर करने के लिए सेम चीज कह रहा है, लेकिन इसने बोला है कि बताओ कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, और मैंने इसकी डेफिनेशन अपने इंट्रोडक्शन में बहुत बेहतर तरीके से बताया। तो कंसिस्टेंट क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, कंसिस्टेंट वो जिसमें क्या कहता है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, क्या कहता है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, जिस भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक कम से कम एक सॉल्यूशन अगर हमें मिल जाता है तो हम उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कह पाते हैं, कंसिस्टेंट है ना, उसे कंसिस्टेंट कह पाते हैं। इनकंसिस्टेंट की बात करूं तो इनकंसिस्टेंट क्या कहता है, जिसमें नो सॉल्यूशन, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसके एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाते हैं हमें, तो वो हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। और वो सिर्फ एक ही केस में होता है, जब हमारी दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, जब दोनों लाइन हमारी पैरेलल होती है तो हम इजिली चीजों को बोल पाते हैं कि इंटरसेक्ट पॉइंट हमें नहीं मिला, दैट मीन्स कि इसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके सॉल्यूशन नहीं है, तो वो किस में जाएगा, वो इनकंसिस्टेंट में चले जाएगा। ठीक है, और जिसके एक या एक से ज्यादा कोई से भी सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो वो कौन सा होगा, कंसिस्टेंट में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे बताना हमें कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो सबसे पहले वही करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग फ्रॉम ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए टू एक्स प्लस
बी टू आई और प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको लेके, तो बहुत इजीली मैं कुछ ऑब्जर्वेशन अपने पास रख सकता हूँ जिसकी जिसका फायदा हमारे पास क्या मिलेगा कि ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो वी ऑब्जर्व, हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट पहले वाले में, पहले वाले को पहले वाले से कंपेयर, दूसरे वाले को दूसरे वाले से कंपेयर, ठीक है। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए वन, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट थ्री, तो ए वन क्या हो जाएगा हमारे पास थ्री, बी वन क्या हो जाएगा हमारे पास टू, ठीक है। अच्छा सी वन क्या होगा, सी वन क्या होगा, देखो इसको अगर मैं और करके लिख देता हूँ, और करके थोड़ा सा सही कर दू ताकि मैं इस फॉर्मेट में दिखा सकूं, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। इसको भी और करके अगर मैं लिख देता हूँ टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, तो कहीं ना कहीं अब हमें दिख रहा है सी वन की वैल्यू क्या होगी, माइनस फाइव, सी वन की वैल्यू माइनस फाइव। एंड सिमिलर वही वाली बात कि यहाँ ए टू कितना हो जाएगा टू, और यहाँ पे बी टू कितना हो जाएगा माइनस थ्री, और यहाँ पे सी टू माइनस सेवन, सी टू माइनस सेवन हो गया। तो हमें रेशियो में कंपेयर करके बताना ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ए वन अपॉन ए टू पहले देख लेते हैं कितना, ए वन अपॉन ए टू थ्री अपॉन टू, ये क्या है थ्री अपॉन टू, ठीक है। अच्छा बी वन अपॉन बी टू, बी वन अपॉन बी टू टू अपॉन माइनस थ्री, टू अपॉन माइनस थ्री। तो हमने क्या देखा कि यहां तो एक ही बात हमें दिख पा रही है कि ये दोनों डज नॉट इक्वल टू है, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल नहीं है, जिसका मतलब अगर ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो हमारे पास एक बात निकल के आती है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसका एक यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन इसका होगा ही होगा, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन इसका होगा, इसका मतलब ये हो गया कि हमें पता है जिसका एक सॉल्यूशन मिल गया तो वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो यहां पे हमें बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। इतनी सी बात हमें यहां पे लिखनी है, तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो। तो कुछ नहीं है, बस पिछले क्वेश्चन नंबर सेकंड का अगला स्टेप हमारे पास ये है बस कि हमें एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है, तब जाकर हम बता पाएंगे कि ये कहानी इसकी है, ठीक है। और इसी में आप लोग अगर चाहें तो थोड़ा सा अगर मैं आगे के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को अगर थोड़ा सा हिंट दे दूं मैं, तो इसके लिए तो हमारे पास क्या है, ये इंटरसेक्ट है, ये इंटरसेक्टिंग है। अच्छा ये नहीं आया तो कैसा आएगा हमारे पास, कुछ ऐसा आएगा ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अगर ये वाली बात आती है तो हम लोग क्या कह देंगे कि पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो दैट मीन्स ये इनकंसिस्टेंट है। अगर पैरेलल है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, क्यों, क्योंकि इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे हमारे पास। अगर मैं तीसरी बात करूं इसकी, तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, इसका मतलब ये होगा कि ये क्या है, कोइंसिडेंट है, क्या है, कोइंसिडेंट। और अगर ये कोइंसिडेंट है तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और जिसका कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या कहता है कि एक सॉल्यूशन हमारे पास अगर मिल जाए तो मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगा, ठीक है। तो इसके बहुत सॉल्यूशन है, ये हमारे पास कहा जाए कंसिस्टेंट, ठीक है। इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, तो आप लोग इंट्रोडक्शन की वीडियो भी इसके लिए देख सकते हैं, वहीं से आप लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से इसे आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
थर्ड का थर्ड, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि हम वो भी देख लेते हैं, इसमें भी वही सारी बातें बता रहा है ये कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है बताओ। और ये बताने का तरीका हमारे पास, इसका बताने का कॉन्सेप्ट हमारे पास एक बहुत अच्छा, हम लोग क्रिएट कर चुके हैं चीजों को, तो इसको मैं क्या करता हूँ और करके, ऐसे हमारे पास अगर क्वेश्चन गिवन है तो और करके मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी हो। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ कि 3 upon 2x + 5 upon 3y - 7 = 0। इसको भी अगर और करके मैं लिख दू 9x - 10y - 14 = 0, ठीक है। कहीं ना कहीं ये बात अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयरिंग किसे कंपेयर करूंगा मैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अगर मैं इससे कंपेयर करता हूं तो हमारे पास निकल के क्या आता है कि a1 की वैल्यू हमारे पास 3 upon 2, b1 की वैल्यू हमारे पास 5 upon 3 और c1 की वैल्यू हमारे पास -7, ठीक है। और यहाँ पे a2 की वैल्यू हमारे पास आएंगी 9 और b2 की वैल्यू माइनस के साथ आएगा -10 और c2 की वैल्यू -14। कुछ नहीं करना, हमें रेशो निकाल देना है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का, दो निकालेंगे तो हमारे पास वैसे ही चीजें आ जाएंगी, है ना। यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ a1 अपॉन रेशो निकाल लेते हैं, a1 a2 का रेशो निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास 3 upon 2 ऑल डिवाइडेड बाय 9, है ना, 9। तो ये 3 upon 2 मल्टीप्लाई, और अगर हम किसी भी डिनोमिनेटर से किसी को भी अगर हम ऊपर लेके आते हैं, चेंज करते हैं, अगर हम मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ तो नीचे वाला क्या डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है ना। तो ये 3 upon 2 तो मैं एज इट इज लिखूंगा, और ये जैसे ही मैं ऊपर लेके आऊंगा मल्टीप्लाई में तो इसके नीचे क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 upon 9, 3 × 3 = 9, तो यहाँ पर 1 upon 6, तो a1 a2 क्या आ गया हमारे पास 1 upon 6। इसी तरह b1 upon b2 अगर मैं फाइंड करता हूँ, b1 upon b2 हमारे पास क्या आएगा 5 upon 3 ऑल डिवाइडेड बाय माइनस टेन, इसके नीचे भी 1 होता है, फिर वही कहानी मैं एक बार फिर 5 upon 3 इसको ऊपर लेकर आऊंगा तो मल्टीप्लाई 1 upon 10 माइनस का 1 upon 10, तो ये क्या कर जाएगा क्या होगा 5 upon 5 × 10, यहाँ आ गया हमारे पास -1 upon 6। अच्छा तो हमने क्या देख लिया, इन्हीं दो स्टेप में हमें एक बात पता चल चुकी है कि a1 upon a2 b1 upon b2 does not equal to एक दूसरे के इक्वल, ये नहीं, ये 1 upon 6 है, ये -1 upon 6 है। तो यहां से हमें पता चलता है कि a1 upon a2 = 1 upon 6 आया है, डज नॉट इक्वल टू -1 upon 6 जो कि b1 upon b2 है, ठीक है। तो हैंस हमारे पास रिजल्ट निकल के क्या आता है कि a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2। और अगर ऐसी कहानी हमें दिखती है, ऐसी कंडीशन हमें दिखती है क्वेश्चन में, तो हम बता पाते हैं तीन कंडीशन में से एक कंडीशन जस्टिफाइड हो जाता है। तो ये क्या होता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसके सोल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, इसके एक सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन, है ना। इसके क्या होंगे, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। और जिसके यूनिक सोल्यूशन, दैटमीन्स अगर एक भी सोल्यूशन है तो वो हमारा क्या होगा, दिस सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट, क्या होगा, कंसिस्टेंट, ये सिस्टम क्या होगा हमारा, कंसिस्टेंट होगा। बहुत इजी तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आप लोगों के पास पूरी तरीके से इसका फॉर्मेट मिल चुका होगा और आप लोग इसे इजीली रफली भी सॉल्व करके बता सकते हो फिर, लेकिन एक बार अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करना, ठीक है। इससे आप लोगों को एग्जाम में फायदा मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर का पहला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फोर कह क्या रहा, पहले तो हम इस बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि विच वन इज कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे पास जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, कह रहा है कौन सा इसमें कंसिस्टेंट है, कौन सा इसमें इनकंसिस्टेंट है। पहला तो
ये हमें क्लियर करना, पहली बात हमारे पास ये क्लियर करने के लिए होंगी। अच्छा, उसके बाद भी इसने एक बात और ऐड कर दिया क्वेश्चन में कि इफ कंसिस्टेंट, अगर कह रहा है कि यदि हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, कह रहा है तब उसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करो ग्राफिकली, मतलब ग्राफिकली उसको हमें ड्रॉ करके उसके सॉल्यूशंस बताने। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग चीजों को अगर एक एक पॉइंट से समझे बेहतर तरीके से तो आप लोग सॉल्व बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमें बताना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हमें बताना, तो हम वही वाली अपनी कहानी एक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमने इसके बारे में बात करी है। तो कुछ नहीं करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो वी ऑब्जर्व, अगर हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो ऑब्जर्व करने की क्या बात आ गई, ए वन हमारे पास वन, अच्छा बी वन हमारे पास वन और सी वन हमारे पास माइनस फाइव, अच्छा ए टू हमारे पास वन। अच्छा एक काम हम और कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना इसको, मैं अगर और करके लिख दूं, अगर और करके मैं लिखना चाहूं तो इन तीनों में टू कॉमन है ना, तीनों में टू कॉमन है तो इससे मैं डिवाइड कर दूं, अगर टू से डिवाइड डिवाइडेड बाय टू बोथ साइड, डिवाइडेड बाय टू बोथ साइड अगर मैं कर देता हूं तो यहां से बन के आता हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, है ना, ये वाली बात दिखती है। तो हमने क्या देख लिया कि दोनों इक्वेशन तो एक ही है, दोनों इक्वेशन एक ही है, ये भी और ये भी, इसका मतलब ये कि इसका जब मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा ना तो इसका एक ही लाइन होगा, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी ओवरलैप कर रहा होगा, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी ओवरलैप कर रहा होगा, तो जो एक का सोल्यूशन होगा वही दूसरे का भी सोल्यूशन होगा। तो हम इजिली इसका सोल्यूशन भी बता सकते हैं कि जहां जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइन वही उसके क्या होंगे सॉल्यूशन, और अगर ओवरलैप कर रहा है तो हर जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अच्छा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा ए टू यहाँ पे भी वन, बी टू वन और सी टू माइनस फाइव, ठीक है, तो यहां से हमारे पास ए वन अपॉन ए टू क्या आ गया, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू। अगर मैं यहां से निकालता हूँ ए वन अपॉन ए टू वन इक्वल टू वन, ये भी वन अपॉन वन इक्वल टू वन और ये भी फाइव अपॉन फाइव इक्वल टू वन, तो इसका मतलब ये हो चुका है कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ये बात हमें दिख चुकी है। अच्छा ये बात दिख गई तो ये क्या होगा, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो ये बोल सकते हो आप लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, इज कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट होंगी है ना, अगर कोइंसिडेंट है तो इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इससे क्या पता चलता है, कोइंसिडेंट है तो मैनी सॉल्यूशन, तो बहुत सारे सॉल्यूशन है। अच्छा बहुत सारे सॉल्यूशंस में हम इसका आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके वो बहुत सारे सॉल्यूशंस है कौन से वो हम फाइंड कर लेते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं करना, एक ही का तो निकालना है, दोनों तो एक ही इक्वेशन है, एक का ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो दूसरा उसी पे ओवरलैप कर लेगा, है ना। यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, यहां से आप लोग इसके कोऑर्डिनेट्स बहुत आसानी से, इसके कोऑर्डिनेट्स आप लोग बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक का अगर मैं दो रखता हूं तो दूसरे का तीन, एक का तीन रखता हूं तो दो, ठीक है, इसका एक रखता हूं तो एक्स एक, तो ये फोर, यही है, आप लोग चेक भी कर सकते हो। अच्छा इसको अगर मैं ड्रॉ करने के लिए ग्राफ बनाऊ तो हमारे पास ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर लिया, अच्छा ड्रॉ कर लिया हमने ये कोऑर्डिनेट, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव,
चलो ड्रॉ कर लेते हैं हम इसको, है ना, टू और थ्री, एक्स की वैल्यू टू और वाई की वैल्यू थ्री, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टू और थ्री, ठीक है, अच्छा थ्री और टू, एक्स की वैल्यू थ्री और वाई की वैल्यू टू, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थ्री और टू, है ना, थ्री और टू, अच्छा वन और फोर, एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू फोर, तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। वैसे आप और भी कोऑर्डिनेट्स निकाल के चेक कर सकते हो, तो हमने क्या देखा कि ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन जो है, ये जो मैं ड्रॉ करने वाला हूं, ये हमारा लाइन बनेगा, ठीक है, और एक अगर ये है तो दूसरा भी हमारा इसी पे आएगा, है ना। तो मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं पहले, ये हमारे पास वन फोर, ये हमारे पास टू थ्री, और ये हमारे पास क्या है, थ्री टू। अच्छा दूसरे इक्वेशन का भी अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो यही आएगा, क्योंकि दोनों तो एक ही है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं चीजों को लिखता हूं, तो ये वाली बात अगर मैं एक और लाइन ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, मैंने तीर का निशान बना दिया, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। यहां लिखेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ओवरलैपिंग, है ना, क्या कर रहा, ओवरलैपिंग कर रहा। और हमें क्या चाहिए, अगर एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वही उसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो इसके सॉल्यूशंस हम लोग बता सकते हैं क्या होगा, तो सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस आर, आप लोग लिख लो वन फोर टू थ्री, थ्री टू डॉट डॉट डॉट, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इसलिए मैंने डॉट मार दिया, ध्यान रखना, तीन डॉट लगाने का मतलब है इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बहुत अच्छे तरीके से इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर का वैसे ही दूसरा तीसरा वैसा ही है, कॉन्सेप्ट हमें यही लगाना है। पहले आप लोगों को क्या करना है, ये पता कर लेना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो उसे वहीं पे हम अपना स्टॉप कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कंसिस्टेंट है तो हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसके सॉल्यूशंस बताएंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से, है ना। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा अगर कंसिस्टेंट होता है तो, अगर इनकंसिस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं पे हम कर देंगे इट हैज नो सॉल्यूशन, इसके पास कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो ग्राफ ड्रॉ करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं, क्वेश्चन सेकंड के भी मैंने दो क्वेश्चन छोड़े हैं, उसी लेवल का था, थर्ड में भी है कुछ और फोर्थ में भी है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, बेहतर तरीके से हो जाएंगे सब, सारे क्वेश्चंस आप लोगों से हो जाएंगे अगर आप लोगों का इंट्रोडक्शन क्लियर है तो। तो बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो क्वेश्चन नंबर कमेंट में डाल के आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का आंसर बहुत जल्द या तो अपने तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप लोग वहां पे पूछ सकते हैं मुझसे, बहुत इजीली वहां पे आप लोग समझ पा रहे चीजों को, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट, हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन से, हम नेक्स्ट वीडियो में अपना वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन को बहुत बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करने लग रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं के कॉन्सेप्ट आगे भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके, और लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छी लगे तो, ठीक है।